कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सज्जन यूनियन के सदर सईद जुल्फकार शाह ने कहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के तहत दौरान ड्यूटी इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन की जगह उनके बच्चों को हुकूमत सिंध की मंजूरी के बाद फौतगी कोटे पर मुलाजमतें मिलने पर उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ज्वाइनिंग देने से इनकार करके एक जानब तो मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि दूसरी जानब तयशुदा माहदे की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाजमीन की जानब से दिए गए चार्टर ऑफ डिमांड पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। बल्दिया गर्बी किमाड़ी बस्ती मलेर कोरंगी ना तो मुलाजमीन को लिया गया और ना ही सरकारी मशीनरी ली गई है, जवाब नकारा करने के लिए छोड़ दी गई है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है कि फौतगी कोटे पर भर्ती सिंध सॉलिड वेस्ट से दुरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध की मंजूरी से जारी करदा तकरर नामों पर ज्वाइनिंग दी जाए और तमाम DMCs की कारामद मशीनरी और सफाई का अमला लिया जाए।